नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हम लोग विंडोज 10 में ऑटोमेटिक अपडेट को कैसे ऑफ कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका भी कंप्यूटर आपका सारा डेटा खत्म कर देता है और आप विंडोज 10 के ऑटोमेटिक अपडेट वाले फीचर से परेशान हैं और इस सर्विस को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक्चुअल तरीका बताने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से विंडोज 10 के अपडेट को हमेशा के लिए ऑफ कर सकते हैं और इसे बंद करने का सही तरीका क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि विंडोज 7 में और विंडोज 8 में विंडोज अपडेट बंद करने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन दिए हुए थे, जिसकी मदद से आप इसे बिना कोई प्रॉब्लम के बंद कर सकते थे। पर विंडोज 10 के अंदर इस तरीके का कोई भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप विंडोज 10 ऑटोमेटिक अपडेट को बंद कर देते हैं, उसके बाद भी आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड में डेटा को जो है वो कंज्यूम करता रहता है और चंद ही मिनटों में आपका सारा डेटा जो है वो खत्म कर देता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपसे इसी पे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कौन से सर्विसेज को बंद करके अपना पूरा डेटा जो है वो बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, विंडोज 10 में ऑटोमेटिक अपडेट बंद करने के लिए मात्र दो सर्विसेज को बंद करना पड़ेगा और इसके लिए आपको नीचे देखिए सर्च बटन है, उस पर क्लिक करके वहां पे आपको सर्विसेज लिखना है। और जैसे ही आप वहाँ पे सर्विसेज लिखेंगे तो इसके बाद ही आपके सामने एक विंडोज ओपन होगा और उसमें आपके विंडोज सिस्टम में जितने भी सर्विसेज चलते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। यहाँ पे पूरी आपको लिस्ट मिल जाती है और साथ ही उस एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं कि वो रनिंग है या फिर स्टॉप है, क्या है, मतलब यहाँ से आप सब चीज देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो सर्विस बंद करनी है उसका नाम है विंडोज अपडेट। तो स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाएं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज अपडेट जो कि रन कर रहा है अभी, और जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टैब मिलेंगे, लेकिन जनरल वाला जो टैब है उसमें आपको यहाँ पे देखिए स्टार्टअप टाइप है, ऑटोमेटिक को हटाकर डिसेबल सेलेक्ट कर लें और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्विसेज स्टेटस जो है वो रनिंग है अभी भी, तो यहाँ पे आपको इसे स्टॉप करना है और उसके बाद इसे अप्लाई कर दें। और इसको करने के बाद हमारा विंडोज सर्विस जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, हमें सेकंड सर्विस जो बंद करनी है उसका नाम है बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विसेज। तो इसके लिए आपको स्क्रॉल करके ऊपर चले जाना है और बी पे सर्च करना है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इंटेलिजेंट सर्विस जो है वो मिल जाएगा, उस पर सिंपली आपको जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे स्टार्टअप टाइप जो है उसको यहाँ ऑटोमेटिक से बदल कर डिसेबल कर दें। इसे करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंटरनेट ऑन करके कि हमारा बैकग्राउंड में इंटरनेट डाटा जो है वो खाता है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को टास्क मैनेजर ओपन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग नेटवर्क टैब पे जाते हैं तो अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कोई भी तरीके का सर्विस रन नहीं हो रहा है और हमारा नेटवर्क पाथ जो है वो क्लियर है, मतलब ये कि हमारा ऑटोमेटिक अपडेट मोड जो है वो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपका डाटा जो है वो फिर से बर्बाद हो रहा है अपडेट में, तो आपको फिर से वही स्टेप दोहराना है और आपको बंद कर देना है। हालांकि ऐसा नौबत आपको नहीं आएगा, फिर भी आप इस ट्रिक को सीख लें ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लाइक तो जरूर कर दें इस वीडियो को, शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आप ये ट्रिक बताना चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो ऐसे ही ऑसम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर जाएं। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।